चलो इस पुराने बाथरूम को फिर से सजाएं, पुरानी कोटिंग को मिटा दें, एक्रिलिक वार्निश से कवर करें। बिल्ली के बच्चों को बबल बाथ बहुत पसंद है। एंजेला और टॉम एक साथ बड़े हो रहे हैं, वो सैंड बॉक्स में खेल रहे हैं। चलो खजाने की खोज करते हैं, चलो सभी खजाने खोदते हैं। हे, तुम्हारी रेत हर जगह उड़ रही है, वाह हमें क्या मिला? ये टेरोडैक्टिल है, बहुत बढ़िया, क्या मैं देख सकती हूँ? मुझे ये पहले मिला। चलो भीड़, ये सच नहीं है, वो शेयर नहीं कर सकते। ओह तुम बहुत गंदे हो गए हो, तुम्हें नहाना चाहिए। ये बढ़िया है, हर कोई फिट आ गया, यहाँ तक कि हमारी प्यारी डकलिंग्स भी। बच्चे नहाते हुए मजे कर रहे हैं, ओह बहुत प्यारे हैं। लाइट क्ले का एक टुकड़ा ले, एक मॉन्स्टर का आकार दे। रेनबो फोम पेपर जरूरी है, ये खिलौना बच्चों को खुश कर देगा। अब तुम खेल सकते हो, मुझे काम करना है, मुझे ये डकलिंग्स पसंद है। क्वैक, मुझे भी, चलो खेलते हैं। नहीं, वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है ना डक? नहीं, इसे वापस दो, वो एक दूसरे का पीछा करने लगे। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आंट मैरी, क्या हुआ, तुम फिर से शेयर नहीं कर रहे? देखो मेरे पास क्या है। टॉम अभी के लिए यूनिकॉर्न के साथ खेलो। ये वाह मुझे ये चाहिए, वो मेरा है, तुम्हें सभी टॉय शेयर करने चाहिए। डकलिंग के बारे में क्या ख्याल है? जो भी हो ये लो, मेरी डकलिंग, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। आखिरकार हर कोई खुश है। बिल्ली का खिलौना बड़ा हो गया है, आंखें बनाए, ग्रे कर्ली बाल, फैब्रिक तैयार करें, ग्रीन टी शर्ट और जीन्स, आरामदायक रनिंग शूज। ये प्रैंकस्टर भाग्यशाली है, टॉम हमेशा मजाक करता है। प्लेग्राउंड बच्चों से भरा हुआ है, लड़कियां बात कर रही है। लड़कियों देखो मैं क्या कर सकता हूँ, हर कोई बॉल को लात मार सकता है। टॉमी स्केटबोर्ड करने आया है, दूसरे बच्चों ने उसे तुरंत पहचान लिया। वाह वो वही है, वो अब जरूर ट्रिक्स दिखाएगा। टॉमी ने निराश नहीं किया, वो स्केटबोर्डिंग में माहिर है। वाह कितना बढ़िया है। ओह नहीं, एक बूढ़ी लेडी ने एक पत्थर फेंक दिया, वो उसके टायर के नीचे है। मैं उड़ रहा हूँ, स्केटबोर्ड ग्रानी को लग गया। क्या दिन है, आउच मेरा पैर। फोम पेपर चुने, ऑरेंज, किनारों को मोड़े, तार डाले, एक स्ट्रेचर, किटन को बचाने के लिए जल्दी करें। ओह अब हम क्या करें, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। कार आ गई, यहाँ ये बच्चा स्केटबोर्ड से गिर गया, चलो उसे क्लिनिक ले चलते हैं। दर्द हो रहा है, डॉक्टर तुम्हारी जांच करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, चलो चले। हर कोई लड़के को लेकर चिंता में है। डॉक्टर हमारे पास एक नया पेशेंट है, वो अभी बच्चा है, चलो देखते हैं। बस एक खरोच है, तुम्हें ठंडे सेक की जरूरत है, तुम ठीक हो जाओगे। शुक्रिया, ये अब दर्द नहीं कर रहा, अगली बार ध्यान से राइड करना। स्टायरोफोम के ब्लॉक को छोटा करें, कंट्रोल बटन जोड़े, स्क्रीन पर सांप रेंग रहा है, सभी बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं। एंजेला टॉय शॉप पर आई है। हेलो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं एक गिफ्ट देख रही हूँ, शायद एक स्कूटर, नहीं उसे स्केटबोर्ड पसंद है, फिर एक ट्रैम्पोलिन। वाह कितना बढ़िया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको और क्या दिखा सकती हूँ? वाह क्या ये कंसोल है, मैं इसे लूंगी, शानदार, मैं इसे तुम्हारे लिए पैक करती हूँ, मजे करो। टॉम अंदर आया, उसने काफी समय से टॉय के लिए पैसे जमा किए थे। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास निंटेंडो के लिए काफी पैसा है, मुझे माफ कर दो, आखिरी बचा था और वो भी किसी ने खरीद लिया। टॉम परेशान है। टॉमी सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वाह एक निंटेंडो, मेरा सपना सच हो गया। ओह शुक्रिया एंजेला, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।
सालों बाद एंजेला अब टीनेजर है। पिंक हेयर ट्रेन में रहते हैं। आबरा का डाबरा ये तैयार है, चलो ट्राई करें। एक कॉलर लगाएं, प्यारे कानों की एक जोड़ी। किटी एक प्यारी टीनेजर है। एंजेला और टॉम समुद्र के किनारे पर आराम करने आए हैं। आप एक खाली चेज लाउंज देख सकते हैं, जो पहले बैठा चेयर उसकी। रुको, ये मेरे लिए है। काफी अच्छा है, ठीक है मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, ये बढ़िया है। कितनी मजेदार बुक है, क्या पढ़ रही हो? मैं भी मजे करना चाहता हूँ। हाथ हटाओ मेरी बुक्स, तुम्हारा सन लाउंजर। बस मुझे मारो मत। टॉमी और एंजेला ने मजे किए। जब वो वापस आए तो उन्हें सरप्राइज मिला, एक क्रैब उनकी बुक्स पढ़ रहा था। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। किटन्स को बिना बुक्स के कंबल पर रहना पड़ा। कैंची का इस्तेमाल करें, टाई लगाएं, लेस से सजाएं। एक शेफ की हैट, व्हाइट पोल का डॉट्स, एक यंग कुक के लिए। एंजेला ने कुकीज बनाने का फैसला किया। मेरी क्रिएशन हमेशा स्वादिष्ट होती है। एक कप और एक एप्रन रखें। अब मैं मास्टर शेफ हूँ, चलो आटा गूंथते हैं। यहाँ क्या है, चलो ट्राई करें। हे, ये आटा कच्चा है, इसे वापस रखो जल्दी से। मैं खाने का शौकीन हूँ, पकड़ सकती हो तो मुझे पकड़ लो। ठीक है, तुम जीत गई। मुझे ऐसे हेल्पर्स की जरूरत नहीं है। कुकीज बनाइए, अवन में रखें, टाइमर सिग्नल का इंतजार करें। बस आधा घंटा, घंटा बेहतर है। रुको, बढ़िया कुकीज। उन्होंने खाना शुरू कर दिया, स्वादिष्ट। एक आखिरी कुकी बची है, पहले कौन है? खैर कोई नई बात नहीं है, उन्हें शेयर करने में हमेशा दिक्कत होती है। सालों बीत गए, एंजेला बूढ़ी हो गई। एक पिंक बॉब ये उस पर जच रहे हैं। प्लीटेड स्कर्ट, एक कॉलर, जूते चुने, ऊंचे जूते, एक लेस ब्रेड, सुंदर कैट लुक। टॉमी गहरी नींद में है। खर्राटे बंद करो, हम अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो गए। क्या, चलो चले, तैयार हो जाओ। उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी, उनकी चीजें हर जगह बिखरी है। मेरे पास नेटिंग बास्केट भी है, मुझे यकीन है कि ये फिट नहीं होगी। ओह नहीं, तुम ठीक कह रही हो, मैं मदद करूंगी, इसे जल्दी बंद करो। वाह, हमने कर दिखाया, जल्दी करो। टॉमी ने अपने सूटकेस लोड किए और गाड़ी चलने लगी। किटी ने लिपस्टिक लगाने का सोचा। ओप्स, दिलचस्प मेकअप है। एंजेला रुको, मुझे फ्रेश होने की जरूरत है, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा। और वो आ गई। वाह, तुम बढ़िया लग रही हो, तुमने अच्छा मेकअप किया। ये ढक्कन काम आएगा, स्लाइम भरे। चलो फ्रेश सिट्रस लेते हैं, ऑरेंज के स्लाइसेस, ताजा कॉकटेल तैयार है। बॉन एपिटीट। ग्रानी और एंटोनियो पेरिस के सबसे अच्छे कैफे में लंच कर रहे हैं। ये एक शानदार दिन है। और ये रहे नए मेहमान। एंजेला कहाँ है? माफ कर दो, मुझे देर हो गई। तुम्हारे लिए एक बुके। आप क्या लेंगे? मुझे कुछ ताजा और स्वादिष्ट चाहिए। okay. ये लो, ये सही समय है। ये रहा बॉक्स। एंजेला अपनी ड्रिंक के मजे ले रही है। हनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये अंगूठी बिल्कुल सही है, हमारे पास नए कपल है। कितनी प्यारी किटन है। फर को पेंट करें, पिंक ईयर्स और नोज। एक आंख ग्रीन है और दूसरी वाली ब्लू। अब हमारे पास फिशिंग लाइन से बने विस्कर्स हैं। बेल को पेंट करें। व्हाइट और ब्लैक कैट के पास जादुई पावर्स हैं। पेरिस में ठंड है और बारिश हो रही है।
किटन ने नई छुपने की जगह ढूंढने के लिए ट्रैश कैन को छोड़ दिया। बेचारी, तुम तो भीग गई हो। हाँ, म्याऊ, मुझे बॉक्स मिला है। ये कुछ देर के लिए हमारा घर बनेगा। आ जाओ। एक लड़की वहाँ से गुजर रही थी। ओह, क्या ये सुनाई दिया? किटन भीग गई है। हमें इन्हें बचाना होगा। मेरे साथ आओ, हम साथ में अच्छे से रहेंगे। हम अब घर आ गए। गर्म हो जाओ, मैं तुम्हें दूध देती हूँ। बाउल भर के किटन्स दूध पीने लगे। जैसे ही वो मुड़ी, किटन बेबीज में बदल गए। क्या? नहीं, बेबी एलओएल सिस्टर्स आज हमारे वर्कशॉप में हैं। पुराने चेहरे मिटा दें। आईलाइनर, व्हाइट आईब्रोज बनाएं। जादू हो गया, स्नो व्हाइट जैसे बाल। अंडीज को पेंट करें। फ्लफी कान को आउटलाइन करें। अंदर की जगह को पिंक करें। वो कर्ल्ड टेल। बेबी व्हाइट कैट हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती है। मेलिसा अपनी इवनिंग निटिंग करके बिताती है। बच्चे शांति से नहीं रह सकते। चलो सुपर हीरो खेलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कूल मास्क बना सकती हूँ। तुम्हें पसंद आया? मैं इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूँ। ओह, ये साथ में कितने अच्छे हैं। मेलिसा को नींद आ गई। बच्चों का ध्यान रखने के लिए अब कोई नहीं है। अब प्रैंक्स करने का वक्त है। चलो बुरे लोगों को पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं। वो बच नहीं पाएंगे। ओह नहीं, मैं ट्रैप में फंस गई। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। बच्चों, क्या हो रहा है? अब तुम्हें छुड़ाना होगा, नन्हे शैतान। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पर सिलुएट का स्केच बनाएं और उनको काट लें। होल्स बनाएं, आरामदायक हैंडल्स लगाएं, ब्लेड्स को मेटालिक शेड से पेंट करें, पिन लगाएं, निपर्स शार्प क्लॉज के साथ भी अच्छे लगेंगे। मेलिसा ने स्टोर में जाने का फैसला किया है। बच्चों, मैं अभी आती हूँ। ये, हम अकेले हैं। सुपर कैट, चलो काउच पर कूदे। ओप्स, ये मैंने क्या कर दिया? मॉम हम पर बहुत गुस्सा करेगी। मैं कहाँ छुपूं? शांत हो जाओ, हमें इसके लिए स्मार्ट होना पड़ेगा। Hello. मैं वापस आ गई। तुमने तो सब गंदगी फैला दी। मेरा फेवरेट सोफा और मेरे कर्टेन्स। तुम इन पंजों से हमारे घर को बर्बाद कर दोगी। यंग लेडी, तुम्हें मेरी केयर की जरूरत है। अब तुम्हारे पंजे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाय, क्या आपने मुझे पहचाना? व्हाइट कैट बड़ी हो गई। व्हाइट फैब्रिक से बने कपड़े, ये बहुत प्यारी है। आप दो कान देख सकते हैं। एक पिंक बो लगाएं। आरामदायक स्नीकर्स उसे आराम से चलने में मदद करेंगे। उसके हाथ व्हाइट हैं। व्हाइट कैट बहुत प्यारी लग रही है। सुपर कैट ने अपनी फ्रेंड को सी वॉक के लिए बुलाया। एक बोट राइड से ज्यादा रोमांटिक और क्या होगा? आ जाओ। उनकी जर्नी शुरू हो गई। बोट चल पड़ी। सुपर कैट ने पानी पर काबू पा लिया। अचानक से उन्हें एक फिन दिखा। ये तो शार्क है। ओह नहीं, क्या तुम व्हाइट कैट को डराने की कोशिश कर रही हो? ये कैसा लगा क्रेजी डॉल्फिन? सुपर कैट, तुम कितने बहादुर हो, मुझे तुम पर गर्व है। मेहनत रंग लाई। वर्कशॉप में पुरानी बाइसिकल आई है। मजेदार चीज है, चलो इसे नया बनाएं। बिल्कुल नई। चलो कैरेज को ठीक करें। पुराने रूफ को निकालें। ब्लू सही रहेगा।
इसे पर्पल पेंट करें और कैरेज के ऊपर लगा दें। नए कर्टेन्स, ये अच्छा कलर है। ये जादुई गाड़ी आपको कहीं भी जल्द पहुंचा सकती है। खैर, अगर ड्राइवर अच्छा हो तो। व्हाइट कैट आगे का सोचती है। वो शादी के बारे में सोच रही है। मैं क्या चुनूं? शायद मेरी इवनिंग ड्रेसेस। शानदार, पर ये ब्राइड के हिसाब से सही नहीं है। बढ़िया, एक वेल। बुरा नहीं है, इससे लुक अच्छा हो गया। व्हाइट कैट, तुम अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। सुपर कैट ने मस्ती करने का सोचा। मैं अभी आया। ब्राइड, प्लीज कैरेज में बैठो। तुम क्या करने वाले हो? चलो पार्क में हनीमून ट्रिप पर चले। क्या एडवेंचर है। अपना हाथ दीजिए मैडम। आइसक्रीम, एक लेवेंडर कोन देना प्लीज। ओके। लो, स्वादिष्ट। कितना कमाल का दिन है। वुडन स्क्यूअर्स, इन्हें रेड बनाएं। मास्किंग टेप से रॉड को रैप करें। ये फिशिंग रील की जगह लेगा। थोड़ी लाइन, हुक लगाएं और फ्लोट। अच्छी फिशिंग रॉड है, तुम पक्का बहुत मछलियां पकड़ोगे। ग्रैंडपा फिशिंग रॉड पकड़ कर बैठे हैं। उम्मीद है कुछ अच्छा मिल जाए। कमाल का फ्लेवर है। सर, आपको इतनी सारी मछलियाँ कैसे मिली? मैंने बस बैठकर मछली पकड़ी। क्या आप मुझे सिखाएंगे? जरूर। फिशिंग करना सीरियस काम है। मेरी बात सुनो और याद रखना, आसान है। मेरी स्टिक कहाँ है? आ जाओ मछली। रुको, तुम मछलियों को डराकर भगा दोगे। मेरी फिशिंग रॉड लो। वाओ, क्या बात है। शुक्रिया। सुपर कैट ने धागा लेक में डाला। वो खा रही है। खींचो, इतनी जल्दी, क्या बात है। चलो, मैंने पकड़ ली। किस्मत अच्छी थी। ये लो, मैं और पकड़ लूंगा। शुक्रिया, मैं इससे कुछ तो बना ही लूंगा। कैट वर्कशॉप में शिकार पकड़कर आई है। इतनी ज्यादा मछली, दो टुकड़ों को चिपका दें। मछलियों को न्यूज़पेपर में इकट्ठा करो, ट्वाइन से बांधे। कैट के लिए एक सेंटेड बुके अच्छा गिफ्ट होगा। सुपर कैट ने व्हाइट कैट को डेट के लिए पूछा। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हे, तुम्हारे पीछे क्या है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। खुशबू अच्छी है। अनोखी प्रेजेंटेशन है। सबको ये पसंद नहीं आया। बहुत बेकार बदबू है। मेरी आइसक्रीम खराब हो जाएगी। तुम्हारे लिए बुके। बैठ जाओ प्लीज। मैं ये खा सकती हूँ? ये स्मोकी है। ये सहन नहीं हो रही। शुक्रिया हनी, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। मेरा बिजनेस अब कहीं और लगेगा। हमारे लवर्स को फर्क नहीं पड़ता, वो खुश है। पैकेज का प्लास्टिक पर नए गार्डनर्स के लिए काम का है। ग्राउंड के लिए परफेक्ट शेप है। सॉइल डालें, पॉट को रैप कर दें, सीड्स डालें, अच्छे से पानी दें। पहले पौधे निकालें। ताजी पत्तियां हमेशा तैयार मिलती हैं। हनी, कमाल की खबर है, हम वेकेशन पर जा रहे हैं। मेरे पास टिकट्स हैं। जल्दी पैकिंग करो। मेरा सूटकेस और कपड़े, जरूरत का सारा सामान और हैट। क्या तुम तैयार हो? एयरपोर्ट चलें। लवर्स भूल गए कि माइक्रोग्रीन टेबल पर ही रह गया। कुछ दिनों बाद कपल वेकेशन से वापस आ गए। क्या एडवेंचर था। ये स्मेल कैसी है? मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। ओह, हाँ, मिल गई। हमारे प्लांट्स नहीं रहे। ओह, मुझे लगा ही था।
बहुत बुरा हुआ। थिन स्टायरोफोम पर सिलुहेट की आउटलाइन बनाएं। बढ़िया ऑप्शन है। प्रिंट आउट लगाएं। स्टोन को पीछे से पेंट करें। टाइम स्टोन को कभी नहीं छोड़ता। इस पर हरियाली बनाएं। कपल ने अपने माइक्रोग्रीन्स को इज्जत से दफनाने का फैसला किया। हमें टॉम स्टोन चुनना होगा। तुम क्या चाहती हो? हमारे पास बहुत सारे हैं। जरा इन सब को देखिए। बुरा नहीं है, हमारे लिए अच्छा है, हम लेंगे। खरीदने के लिए शुक्रिया। बाय। व्हाइट कैट और सुपर कैट ने माइक्रोग्रीन्स के लिए जगह ढूंढ ली। ये सबसे अच्छी जगह है ना? हाँ, चलो यही रख दे। जैसे ही कपल ने माइक्रोग्रीन्स को दफनाया, हेडस्टोन पर फ्लावर्स आ गए। ये तो कमाल हो गया, हमारे प्लांट्स को नई जिंदगी मिल गई। एक बल्ब लीजिए, आधा कट कीजिए, एक ड्रॉप हॉट ग्लू की डालें। बॉटम तैयार है। सबको गर्म दूध पसंद होता है। पेसिफायर को लगाएं। दूध बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। बेबी, क्या तुम रो रही हो? बेचारी भूखी है। मैं इसे खिलाऊंगा। अब तुम गर्म हो, अपना ही घर समझो। क्या तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए? नहीं। पैनकेक्स के बारे में क्या ख्याल है? ये भी नहीं, शायद कुछ गमीज। मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? मैं तुम्हें थोड़ा दूध गर्म करके दूंगा, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। पी लो बेबी। क्या तुम्हारी हमेशा ही ब्लू टेल रहती है? शायद पहले ध्यान नहीं दिया। ओह कान, क्या तुम बदल रहे हो? ये बहुत बढ़िया है, कुछ जादुई होने वाला है। कैट बास्केट में बॉल्स में छुपी हुई है। व्हाइट कोट लगाएं। ईयर्स को टेंट करें। वाओ, फ्लफी टेल्स। कॉलर पे बेल लगाएं। कितनी क्यूट है। ओलाफ अपने नए पेट के साथ खेल रहा है। ओलाफ, तुम्हें एक कैट मिली, क्या बात है। इस बेचारी चीज को ठंड से बचाओ। ये मुझे पसंद करती है। क्या तुम माउस के साथ खेलना चाहोगी? वो कहाँ गई? शायद यहाँ है। और यहाँ? हाँ, मिल गई। ओह, वो सो गई। चलो एल्सा को बदले, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। कैट इमेज के बारे में क्या ख्याल है? वाओ, फैब्रिक व्हाइट है। टेम्पलेट्स लें, उस पर निशान बनाएं, उसे काटें। जंपसूट अच्छी तरह फिट हो गया। शूज, ब्लू ग्लिटर छिड़के। फ्लफी ईयर्स को काटें। मास्क स्नो में रखा हुआ है। पाइप क्लीनर को मोड़कर टेल बनाएं। व्हाइट क्लॉज। एल्सा प्यारी किटी में बदल गई है। एल्सा और अलाफ इस फ्लफी बेबी को प्यार करते हैं। वी, मेरी बेबी। क्या तुम साथ में क्रिसमस ट्री सजाना चाहोगी? काश मैं एक कैट होती। मैं काम से थक गई हूँ, बल्कि कॉफी भी मुझे एनर्जी नहीं दे रही। आउच, हॉलीडेज पूरा जादू से भरा हुआ है। हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वाओ, एल्सा, तुम मेरी कैट की तरह दिख रही हो। मेरी इच्छा पूरी हो गई। वी, एक क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट्स। ओप्स, ये कैट तो क्रिसमस ट्री से भी बड़ी है। मेरे ख्याल से मैं समझ गया, जादुई मिल्क कॉफी में चला गया। फुर, ये सच्ची जादुई है। मैं सुपर हीरो जैसा महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करती हूँ। बाय बाय। ओह वाओ, पुरानी चेन लीजिए, लिंक्स को निकालें,
लालीलू बॉल। धागे को लपेटे। इन स्नो शूज में से पॉज बाहर नहीं निकलेंगे। अलाफ यार्ड में कैट के साथ खेलने का फैसला करता है। हेलो, चलो टैग खेले। तुम कहाँ हो? या हम हाइड एंड सीक खेलते हैं? पकड़ लिया। ओ, क्या तुम गिर रही हो? तुम्हारे पाँव कितने सॉफ्ट हैं, स्वेन। हेलो मेरे दोस्त, किटी को बचाओ, स्नो से संभाल नहीं पाएगी। डियर स्नो शूज लेकर आता है। अब कैट कहीं भी स्नो में भाग सकती है। चलो अब चले। प्लास्टिक पार्ट आसानी से मिल गए। फोम का ढक्कन काटे। हॉट ग्लू स्टिक को काटे। डिस्पेंसर को इकट्ठा करें। ये एक हेयर कंडीशनर है, क्लोथ्स पेन इसके लिए ठीक है। बटन्स लगाएं। क्लिपर, एक स्पून लीजिए। लाइट क्ले के लंप के साथ इसे बंद करें। ओह, क्या ये एक वायर है? फालतू हिस्से को काट दें। हमें हार्ड ब्रिसल्स मिल गए। ग्रूमिंग सप्लाईज को अंदर रख दे। एनिमल्स को भी अपने हेयर का ध्यान रखने की जरूरत होती है। एल्सा बाहर घूम रही थी, तब अचानक से बारिश आ गई। खैर, बाहर मौसम कितना डरावना है। ये सनशाइन, अब छाते की जरूरत नहीं है। आह, सच में मैं पूरी गंदी हो गई। हेलो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? माफ करना, ये एक पेट सैलून है। कोई बात नहीं, प्लीज। क्या तुम्हें कैट प्रोडक्ट से दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं, हमारा बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट। पहले आपके हेयर वॉश करते हैं। क्या हम इसको ट्रिम कर दे? बिल्कुल नहीं। चलो फिर स्मूथनिंग कंडीशनर करते हैं। काफी ठीक है, शुक्रिया। मैं फर से गंदगी को कॉम करके हटा दूंगी। ये मैं कितनी सुंदर हूँ। पर्ल हाफ बीड्स ले, पोल करें, इन्हें पेंट में डुबोएं, थ्रेड को हैंडल से लपेटे, टूल को जोड़ें। अब स्नोबॉल्स के साथ खेलना और भी आसान हो गया। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी। खैर, बच गए। पकड़ लिया। हाइड एंड सीक खेलना चाहोगी? चलो हिल की राइड लेते हैं। देखो, वाओ, ये कितना ऊंचा है। चलो स्नोबॉल फाइट करते हैं। तैयार हो जाओ। बर, स्नो ठंडी है। हाँ, मेरे पास स्नो बॉलर है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? क्या? प्लीज कैसल पे नहीं। आपने हमें बचा लिया। मेरा फर्ज था, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। साथ में खेलना चाहोगी? जरूर। हमला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोप डिश को नीचे रखे। हिल जम गया है। चलो हॉट ग्लू की स्टिक्स को लगाएं। वाओ, जैसे एक ब्रिज। आइसक्रीम के अंदर लाइट लगाएं। मार्शमेलोस। आइस ब्रिज, कुदरत का करिश्मा। स्क्विरल ने एकॉर्न देखी, वो उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। ओह, बेचारी नहीं कर पा रही। नहीं, स्क्विरल अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो रिवर में गिर गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे उसे बचाना ही होगा। मुझे पता है, उसके मैजिक के साथ प्रिंसेस ने एक आइस ब्रिज बनाया। स्क्विरल बच गई। क्या, एक एकॉन? चलो ये लो, ध्यान से, बाय। ओह, हेडफोन्स, एक सिलिकॉन केस काम आएगा। हेमिस्फीयर को अलग करिए। चलो कोनों से आउटलाइन बनाएं। बिल्कुल सही काटा है। ट्रांसपेरेंट बॉल को इंस्टॉल करें। फोम पेपर की स्ट्रिप्स कट करें। बैकपैक को चिपकाएं। रिबन स्ट्रैप्स। कैट कैरी बैग में कूद गई। हे किटी, तुम कहाँ हो?
हे किटी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बीमार हो? चलो बेड चलते हैं। ये रहा कैरी, इसमें जाओ, ये डरावना नहीं है। मेरे बेचारी बेबी, चलो चलते हैं। डॉक्टर, मेरी कैट बीमार है। घबराओ मत, अंदर आ जाओ। चलो एक एग्जामिनेशन करते हैं। हाँ, हाँ, हम बिना अल्ट्रासाउंड के कर सकते हैं। कितना दिलचस्प है। खैर, यहाँ क्या हो रहा है? बधाई हो, इसके जल्दी ही बच्चे होंगे। खैर, ये तो न्यूज है। एक प्लास्टिक कंटेनर ले, फेल्ट को ग्लू के साथ लगाएं, इसे काउच पे रखें, बॉटम सिक्योर करें, फ्लफी अपहोल्स्ट्री डालें, स्ट्रिप को साइड से कट करें, पूफ ईयर्स ऊपर से फिक्स करें, बेल को लटकाएं। तुम्हारी कैट को आराम की जरूरत है। आपका शुक्रिया, कितनी प्यारी है। किटी को तुरंत नई जगह पसंद आ गई। क्या तुम्हें काउच पसंद आ गया? मैं भी खुश हूँ। एलवी, क्या तुमने बुलाया? ओह वाओ, क्या ये सच्ची किटन्स हैं? कितने प्यारे हैं। कुछ फोम पेपर ले, स्कैन करें, चेयर के फ्रेम को असेंबल करें, एक स्ट्रिंग ले, सीट बेल्ट को लगाएं, एल्सा और उसकी कैट नई कार पसंद करने आए हैं। वाओ, कूल कार है। किटी, क्या तुम्हें पसंद आई? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमें ये लालीलू कार चाहिए। बढ़िया चॉइस है, ये वाली एकदम नई है। क्या आप एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे? बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ये वाला लूंगी। कैट तो इससे उतरना ही नहीं चाहती। आप इस तरह राइड नहीं कर सकते। बहुत समय पहले ये कार सीट इन्वेंट की गई थी। मैं इंस्टॉलेशन में मदद करूंगा। शुक्रिया। बाय।